आपको बता दें कि सुशांत सिंह के केस में हर एक दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं ईडी की पूछताछ के दौरान एक और चौंकाने और हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। यानी कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट रिलेशनशिप में थे और रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को कहा आई लव यू। आइए मैं आपको बताऊंगी पूरे मामले के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आपका अभी हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर ईडी जांच कर रही है और इस जांच के दौरान हर एक दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कथित तौर पर अब खुलासे में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान होते हुए दिखेंगे और हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह के मौत के 2 से 3 दिन बाद ही रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को मैसेज किया था और वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला था कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी और यह भी बात हुई कि उनके मौत के सिर्फ 2-3 दिन बाद ही मैडम ने महेश भट्ट को मैसेज किया और उस मैसेज में उन्होंने या उनका कहना है, उनकी सफाई या देने का मतलब यह है कि वह उन्होंने मैसेज उनको सिर्फ बर्थडे विश करने के लिए कहा था और बर्थडे विश में उन्होंने ऐसा लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू बुढ़ा और आई लव यू। नीचे उन्होंने मैसेज में आई लव यू भी लिखा है। अब यह बताइए आप कि किस तरीके से आखिर यह मैसेज किया गया, आखिर किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को आई लव यू लिखा। साथ ही साथ आपको बता दें, जब हमने इस क्रॉस चेक किया इस इन्फॉर्मेशन को, तो गूगल पर सर्च करने के बाद महेश भट्ट का बर्थ डेट 20 सितंबर है, जो कि उस डेट से काफ़ी अलग था जहां यह मामला 14 जून जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी उसके 2-3 दिन बाद का यह मामला था। तो आखिर यह 20 सितंबर को जब महेश भट्ट का जन्मदिन था, तो आखिर रिया चक्रवर्ती ने उस दिन क्यों विश किया महेश भट्ट को और साथ ही साथ आई लव यू भी लिखा और उसके कुछ ही घंटों बाद रिया चक्रवर्ती ने उस मैसेज को डिलीट भी कर दिया। तो आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या रिलेशनशिप में थी रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के साथ। और तमाम बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।